हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और आईसीएसई क्लास नाइन्थ राइजिंग स्टार के लिए चैप्टर है केमिस्ट्री का वाटर। हाँ, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो समझ जाइए कि पानी के बिना जीवन नहीं है। हाँ, क्या ऐसा कोई दिन है जिसमें आप बिना पानी के जी सकते हैं? क्या कहते हैं, कोई ऐसा दिन है जिस दिन आपको पूरे दिन पानी ना मिले, न पीने के लिए मिले, न नहाने के लिए मिले और न किसी और कामों के मिले? शायद आप कहेंगे जीवन संभव नहीं है। तो यही है हमारा चैप्टर वाटर। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को, जानेंगे वाटर के सारे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ और क्या है हमारी लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस। तो पानी हमारे जो आसपास अवेलेबल है, जो आपको पानी मिल रहा है, हो सकता है आपके घर में टैप वाटर हो, हाँ, जो नल से पानी आ रहा है, क्या आपके यहाँ बोरिंग लगी हुई है क्या? हाँ, जो पंप पानी ज़मीन से सक करके ले आता है, बोरिंग लगी है, ये है फ्रेश वाटर। किसी का हो सकता है घर के आसपास वेल हो, कुआं हो, तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर। तो याद रखिए 2-5% जितना भी पानी अवेलेबल है हमारे आसपास, उसका 2-5% ही पानी फ्रेश वाटर के रूप में पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। इसका मतलब बाकी पानी कहाँ जा रहा है? तो बाकी पानी फ्रोजन आइस कैप्स के रूप में है। अगर परसेंटेज में समझना चाहते हैं तो 100% में से 97% पानी सॉल्टी है, ओशन के रूप में है, हम इसे सेलाइन वाटर कहते हैं, आप यूज़ नहीं कर सकते। बचा कितना? 3% वाटर। मैंने कहा यही वाटर है हमारा फ्रेश वाटर, ठीक। अब इस 3% में से भी 0.7% हार्डली हम और आप यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि ये वाटर जो है वो रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में अवेलेबल है। और बचा 2.3% वाटर। ये पानी क्या है? यस, 2.3% वाटर हमारे पास है, बट मैंने कहा ये पोलर आइस कैप्स के रूप में है, मतलब ये पानी पोल्स में है, ठीक है। और ये पानी, यस, यही पानी हम एक्चुअली में यूज़ कर पा रहे हैं। तो वाटर हर जगह है, हर चीज़ में मौजूद है। आपके पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आसपास हैं, जितनी भी लाइफ हैं, सब में मौजूद है पानी। तो हमारी बॉडी के बारे में बात करें तो हमारी बॉडी में भी 70% क्या है? पानी है। हाँ, जो आपका वेट है उसका 70% क्या है? पानी है। और वाटर क्यों चाहिए वैसे, कभी सोचा है आपने? और क्या वाटर सिर्फ अर्थ नाम के ही प्लेनेट पाया जाता है? क्या वाटर किसी और प्लेनेट पे अवेलेबल है कि नहीं है? हाँ, मुझे बता सकते हैं आप अगर आपको मालूम है किसी और प्लेनेट में वाटर है कि नहीं है। अगर है तो मुझे नाम बताइएगा। तो वाटर वाटर क्या करता है, आइए कुछ यूजेस वाटर के जाने। वाटर हर चीज़ों को डिजॉल्व कर लेता है, ठीक है। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्या? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बहुत सारी चीज़ों को डिजॉल्व कर लेता है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। और वाटर इज़ प्यूरिफाइड फॉर ड्रिंकिंग। जो हम पानी आप पी रहे हैं घर में, हाँ, बहुतों ने आरओ लगा रखा है घर में। क्या आपने भी लगवाया अपने घर में आरओ? हाँ, वो आरओ का फुल फॉर्म रिवर्स ऑस्मोसिस। जो फिल्टर घर में लगाया ना, हमारे यहाँ पानी का फिल्टर लगाया आपके यहाँ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, तो प्योर वाटर। और क्या करते हैं हम लोग वाटर प्योर करने के लिए? हम इसमें से फिल्ट्रेशन या डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए उसमें डिस्टिलेशन, और बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं। तो क्या इतना सब करते हो हम लोग? नहीं नहीं, इतना झमेला हम नहीं करते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए। बस हम सीधे क्या करते हैं, आरओ मशीन लगती है, बाज़ार में आती है, लगवा लेते हैं घर में। हाँ, यूरेका फोर्ब्स की लगवाई होगी आपने, वाटर प्योरीफायर, बस काम ख़त्म। तो पानी कितना इंपॉर्टेंट है इससे आप समझ गए हैं। आइए कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर बताएँ। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ कि पानी एक क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड क्या है कि ये पानी तब माना जाएगा, वाटर तब माना जाएगा प्योर, जब वो क्लियर होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। इसका मतलब पानी में क्या होगा, अगर आपको सैंड या डस्ट पार्टिकल्स क्या होंगे दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्लियर या प्योर वाटर नहीं है। कलरलेस होना ज़रूरी है, ओडरलेस होना ज़रूरी है। ओडर मतलब महक नहीं होनी चाहिए, कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए, और टेस्टलेस होना चाहिए। याद रखिएगा, वाटर का टेस्ट फ्लैसिड होता है, हाँ, मतलब फ्लैट टेस्ट होता है। और क्या खास बात है,
तो आप जो पानी घर में पीते हैं वो तो फ्लैट टेस्ट का नहीं आता है। तो आप अगर पानी जो घर में पी रहे हैं, टैप वाटर पी रहे हैं या वेल वाटर पी रहे हैं, वो थोड़ा टेस्टी वाटर होता है। हाँ, मैंने सही बोला, टेस्टी वाटर होता है। तो उसमें टेस्ट क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द डिजॉल्व्ड, समझ गए ना, पानी में टेस्ट क्यों है? तो रीज़न मैंने दे दिया आपको, क्योंकि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, गैसेस को और सॉलिड्स को डिजोल्व कर लेता है, इम्प्योरिटीज आ जाने की वजह से, सॉल्ट्स डिजोल्व जाने की वजह से उसमें टेस्ट आ जाता है, आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अंडर नॉर्मल प्रेशर फिक्स है, कितना है? 100 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट पानी का, अगर पानी है तो 100 डिग्री पे ही बॉइल करेगा। अगर इसका मतलब है कि हर जगह 100 डिग्री बॉइल करेगा, जवाब है हाँ। बट जैसे जैसे आप हाइट में जाएंगे, हाँ, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। हाँ, कभी आप गए हैं कुल्लू मनाली, कोई हिल स्टेशन गए हैं क्या? हाँ, अगर आप हिल स्टेशन कभी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हिल स्टेशन में खाना थोड़ा कच्चा रह जाता है, हाफ कुक रह जाता है। नहीं ध्यान दिया आपने? हाँ, अब की बार जब जाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ों पे क्या है, वो प्रेशर कम है एयर का। एयर प्रेशर कम क्यों है? क्योंकि ऊपर वॉल्यूम ऑफ एयर कम है पहाड़ों पे। तो जब एयर कम है, एयर प्रेशर कम है, तो पानी जल्दी बॉईल कर जाता है। हाँ, वहाँ 100 डिग्री पानी बॉईल नहीं करता है, 70 डिग्री 80 डिग्री में पानी बॉईल कर, तो जब पानी ही बॉईल जल्दी कर जाएगा तो खाना जल्दी पक जाएगा। समझ गया ना? तो एट हिल्स वाटर बॉइल्स एट अ टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री, ठीक है? क्यों? रीजन क्या दिया? क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? लो है। हाँ, टो नहीं है, लो है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है वहाँ पर? लो है। तो फूड प्रॉपरली कुक नहीं होता है। तो उसका इलाज क्या है? वहाँ पर आपको खाना प्रेशर कुकर में पाना चाहिए। सर, प्रेशर कुकर में क्यों? देखिए, प्रेशर कुकर में चारों तरफ से क्या होता है? बंद होता है, ठीक है? ये लगा है प्रेशर कुकर में सीटी, ये दिखा दिया मैंने। हाँ, तो प्रेशर कुकर में पानी जो होगा, एक बंद एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो रहा है? हीट हो रहा है, इसीलिए पूरा 100 डिग्री पे ही जाके हीट होता है। समझ गए? इसीलिए वहां पर खाना, यस, इसका मतलब है फ्राई पैन में खाना पकाओगे वहां पर, यस यस यस, इसमें पकाओगे, समझ गया ना? तो खाना कच्चा रह जाएगा वहां पर, क्योंकि मैंने बता दिया पानी जल्दी वहां पर बॉयल हो जाता है। आइए अगला, फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो पानी का फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 0 डिग्री। प्योर वाटर होगा, प्योर वाटर होगा तो 0 डिग्री। इसका मतलब है कि 0 डिग्री के अलावा पानी अगर मेल्ट कर रहा है या हम कहते हैं फ्रीज हो रहा है, तो समझ जाओ कि वो प्योर नहीं है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट पानी की चेंज हो जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी। कब होगी? अगर पानी में क्या हो जाए, इम्प्यूरिटीज मिला दे। आपको मालूम है जो जो बर्फ, हाँ, जो बर्फ आइसक्रीम वाले, आइसक्रीम वाला आपके घड़ी में, आपके मोहल्ले में, वो ठेले पे आइसक्रीम वाले आते हैं क्या, जो स्टॉल लेके आते हैं, आइसक्रीम लेके चलते हैं? हाँ, स्कूल में भी होंगे जरूर। तो वो बड़ा सा एक आइसक्रीम का रखने का एक बड़ा सा एक बैग रखते हैं, बड़ा सा। हाँ, इस बैग में देखिए, और ध्यान से देखिए, मैंने डायग्राम बना दिया है। यहाँ पर वो लोग क्या भर देते हैं? आइस विच एडेड विथ सॉल्ट। सच में ये बात आपको नहीं पता होगी, ठीक है ना? इसको, यस, इसको वो लोग कवर्ड रखते हैं टॉप में खूब दूर तक, और थोड़ी सी सरफेस खोलते हैं आइसक्रीम निकालने के लिए। ध्यान दिया है कभी? नहीं। हाँ, यहाँ पर आइस रखी है इसके अंदर, इसके अंदर, और इसमें क्या कर रहा है? आइस प्लस डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, जैसे मैंने बताया, सॉल्ट मिला दिया गया है। इससे क्या होगा? पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे चला जाएगा, पानी अब और माइनस डिग्री में जाके फ्रीज होगा, 0 पे फ्रीज नहीं होगा, जल्दी बर्फ नहीं पिघलेगी। समझ गए? डेंसिटी, डेंसिटी अगर फॉर्मूले से पूछोगे तो मैं कहूंगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। सच में, तो पानी की डेंसिटी के बारे में कुछ खास बात है। पानी जब 4 डिग्री टेम्परेचर पे रहता है, कितने? 4 डिग्री टेम्परेचर पर रहता है, तो उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? 1 होती है, याद कर लेंगे तो जरूरी होगा। पानी की डेंसिटी 4 डिग्री टेम्परेचर पे होती है 1, या इसको 1000 भी बोलते हैं। ग्राम पर सेंटर क्यूब में बोलेंगे तो 1, और किलोग्राम में बोलेंगे तो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बोलेंगे तो 1000। ध्यान दीजिएगा, पानी की डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला भी है,
ठीक है, डेंसिटी का। और याद रखिएगा पानी की एक अनोखी, एक अलग प्रॉपर्टी है, चीज़ें क्या करती हैं। हाँ, अगर आप नॉर्मल किसी मेटल या किसी सरफेस की बात करोगे, ठंड लगने पे वो क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, और हीट मिलने पे क्या हो जाते हैं, वो एक्सपेंड हो जाते हैं। पानी ऐसा नहीं करता है। क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को, एनोमलस, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। आइए थोड़ा सा इसी टॉपिक में थोड़ा डिटेल से करने वाले हैं, ठीक है। एनोमलस एक्सपेंशन क्या बताता है, थोड़ा सा इस डायग्राम को आप देखेंगे तब मैं आपको इस डायग्राम के बाद इसका मीनिंग बताऊंगा। देखिए, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे इस डायग्राम को। हाँ, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके आपको अच्छे से डायग्राम दिखाता हूँ, आप देख पा रहे होंगे। क्या दिख रहा है आपको इस स्क्रीन पे? हाँ, अब आप देखिए, ये पानी, यस, के ऊपर बर्फ जमी हुई है। ध्यान दिया आपने, ये लेक है और यहाँ पे देखिए वाइट कलर की जो लेयर दिख रही है वो, यस, आइस की लेयर है। तो ठंडे इलाकों में जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, जहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, यस, देखिए यहाँ पर टेम्परेचर बाहर कितना है, -1 डिग्री है, पर लेक के अंदर देखो, ये लेक के नीचे देखो क्या हो रहा है, मछलियाँ जिंदा है कि नहीं, देखो ये मछलियाँ तैर रही हैं, ये देखा है गोल्ड फिश, देखा है तुमने, देखो क्यों जिंदा है, क्यों एक्वाटिक लाइफ पॉसिबल है। तो ये जो आइस है, क्योंकि वहाँ पर है -1 डिग्री एटमोसफियर में, ठीक है, तो पानी 0 डिग्री पे फॉर्म हो जाता है, आइस फॉर्म हो जाता है, और आइस क्या करती है, एक्सपेंड कर जाती है, क्या कर जाती है, एक्सपेंड कर जाती है, पूरे लेक के सरफेस को कवर कर देती है, फर्दर कूलिंग अंदर नहीं पहुंच पाती है। ये जो -1 डिग्री है, ठीक है, और नीचे ठंडक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये खुद क्या है, एक बैड कंडक्टर है पानी। नतीजा नीचे क्या होता है, देखिए -1 डिग्री नहीं है, अब 1 डिग्री है, और नीचे आइए 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर नॉर्मल होता जा रहा है, लोअर जाते जा रहे हैं। तो क्या आप साबित करना चाहते हैं, पानी एक्सपेंड कर जाता है 4 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री के बीच में, ठीक है, और वहां तक पानी क्या करता रहता है, उल्टा होता है, ठंडा होने पर भी क्या होता रहता है, एक्सपेंड हो जाता है, एंड दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज एनोमलस एक्सपेंशन। हाँ, कभी आप किसी आसपास नदी में नहाने गए हों, अगर आप, हाँ, जब बाहर बहुत ठंड पड़ रही हो, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, बाहर बहुत ठंड पड़ रही हो और आप नदी में नहाने गए हो, गंगा नदी में फॉर एग्जांपल गए हो, एकदम ठीक कड़ाके की ठंड में, आपको ठंड नहीं लगेगी पानी में डुबकी लगाने पे, सिर्फ ऊपर का पानी ठंडा होगा, आप पानी में अंदर डुबकी लगाने चले जाएंगे, नहीं, ठंडा नहीं होगा पानी, अंदर गर्म होगा। तो रीज़न यही है, एनोमलस एक्सपेंशन। क्लियर है एनोमलस एक्सपेंशन अच्छे से क्या करता है पानी, क्या न्यूजल प्रॉपर्टी है, जब आप कूल करेंगे, जब इसे ठंडा करेंगे पानी को, ये सिकुड़ने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, अजीब बिहेवियर है, एनोमलस मतलब ही होता है एबनॉर्मल, और ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, और जबकि और लिक्विड जैसा नहीं करते हैं, ठीक है, और बिलो 4 डिग्री, कब तक, 4 से नीचे, मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1 डिग्री या 0 कह दूं, यहां से यहां तक क्या करता रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, पानी सिकुड़ता रहता है, ठीक है, एंड इट स्टार्ट एक्सपेंडिंग, इट इज एक्सपेंडिंग टू डू सो टिल इट रीचेस द 4, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्या, एनोमलस एक्सपेंशन। आइए आगे बढ़ जाते हैं, नया टर्म आ रहा है आपके लिए, लेटेंट या हिडन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पानी को अगर आप 0 डिग्री पे जानते हैं मेल्ट कर जाती है। चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ, आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, हाँ मैं दिखा भी देता हूँ, आपने टेस्ट ट्यूब में आइस ले ली और इसको कर दिया हीट, क्या कर दिया, आइस को हीट कर दिया, टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, हीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, मैं इसको हीट कर रहा हूँ टेस्ट ट्यूब में, अब थर्मामीटर लगा करके चेक करते हैं, टेम्परेचर देखते हैं कितना है, फिर 0 डिग्री, थोड़ी देर बाद और हीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर बाद और हीट करते हैं इस आइस को, देखते हैं आइस तो बहुत तेज़ी से पिघल रही है, आइस तो पिघल रही है, फिर भी टेम्परेचर देखते हैं 0 डिग्री, तो ये हीट जा कहाँ रही है भाई, हम इतनी हीट भी दे रहे हैं, दिख भी रहा है हीट है, बर्फ़ पिघलते हुए नज़र आ रही है, तो यही हीट जो हम पानी को दे रहे हैं, जो बर्फ़ को दे रहे हैं, यस, वो
बर्फ को पिघलने में मदद कर रही है, कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द आइस, ठीक है, वो आइस के सॉलिड स्टेट को क्या कर रही है, लिक्विड स्टेट में उसको कन्वर्ट करने में मदद कर रही है वो हीट. इसीलिए टेम्परेचर में इसको शो नहीं कर पा रहे हैं. टेम्परेचर 0 डिग्री है तो क्या 0 डिग्री रहेगा हमेशा, क्या कहते हो? नहीं, 0 डिग्री हमेशा नहीं रहेगा. जब आप क्या करेंगे, यस, देखेंगे सारी आइस मेल्ट हो चुकी है, अब टेम्परेचर तेजी से राइज होना शुरू होगा, 0, 1, 2, 10, 100 तक पहुंचेगा और वहां तक टेम्परेचर राइज होता रहेगा. फिर वहां करके क्या हो जाएगा, यस, वहां के टेम्परेचर फिर रुक जाएगा और तब क्या बनेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. क्योंकि वहां पर पानी क्या करेगा, 100 डिग्री पे आकर के यस और हीट देते रहेंगे, पानी दिखेगा भाप बन रहा है, वेपर बन रहा है, पर क्या होगा, पानी भाप बन के क्या होगा, उड़ने लगेगा, वेपर बन के उड़ने लगेगा, टेम्परेचर पर राइज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वहां पर हो जाएगा वेपराइजेशन. तो जो एनर्जी, यहां ध्यान दीजिएगा, दो बार मैंने हीट का इस्तेमाल किया, एक बार हीट का इस्तेमाल किया उसके सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज करने पे, हम इसको आम भाषा में मेल्टिंग कहते हैं, फ्यूजन इसका दूसरा नाम है, मेल्टिंग या फ्यूजन. तो इसीलिए ये हीट जो है इसका नाम है लेटेंट, इसलिए क्योंकि मैंने कहा इसका इफेक्ट विथ राइज इन टेम्परेचर नहीं होता है, मतलब इसकी वजह से टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है. सिमिलरली वेपराइजेशन में क्या होता है, वेपर बनता है, लिक्विड स्टेट से वो गैशियस स्टेट जिसको हम वेपर कहते हैं, वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है. और इसमें भी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता है, वो एनर्जी उसकी वहां इस्तेमाल होती है. क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, पानी में यूनिक प्रॉपर्टी है जो किसी में नहीं है. और एक यूनिक प्रॉपर्टी और आ रही है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब ये हीट कैपेसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इसका मतलब है 1 ग्राम पानी के कितने, पानी का कितना लेना है, 1 ग्राम ऑफ वाटर लो. सोचो मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ध्यान दीजिए, इस टेस्ट ट्यूब में सिर्फ 1 ग्राम ऑफ वाटर ले लिया, कितना, 1 ग्राम. ध्यान से देखो यहां पर, और इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर दे रहे हैं. पानी कितना लिया इसमें, 1 ग्राम. कितना टेम्परेचर चाहिए हमको, कितना हीट करके टेम्परेचर इसका राइज कराना है, 1 डिग्री टेम्परेचर इसका राइज कराना है. तो जितनी एनर्जी लगेगी, यस, उसको कहते हैं उसको कहते हैं हीट कैपेसिटी. और कितनी लगती है वो हीट, आप नंबर याद कर लीजिए, यस, उसको कहते हैं 42 जूल, और ये होती है 1 कैलोरी के बराबर. क्या, 1 कैलोरी, सुना होगा ना. तो 1 कैलोरी क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड. समझ गए? अच्छा, पानी की इस जबरदस्त हाई, क्या है जबरदस्त हाई, मैंने कहा हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से ही पानी का यूज होता है एज अ कूलेंट. आपको पता होना चाहिए, कार के रेडिएटर्स कार को ठंडा करते हैं, कार के इंजन को ठंडा करते हैं. हाँ, कार के अंदर होता है ये, ठीक है ना. तो कि पानी क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब भी करता है पर खुद का टेम्परेचर राइज नहीं करता है, ठीक है. इवन डेजर्ट कूलर में भी लोग पानी यूज करते हैं, गर्मी में यूज करते हो ना कूलर. हाँ, लग रहा है हर घर में एसी आ गया है, धीरे धीरे कूलर बंद हो रहा है, यूज करते थे लोग. आइए थोड़ा सा और जाने पानी के बारे में, पानी के कुछ और फीचर्स करते हैं. तो पानी एक जबरदस्त सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ऐसा एक पदार्थ जो सबसे ज्यादा गैसेस को, सबसे ज्यादा लिक्विड्स को डिजोल्व कर सकता है धरती में, इसीलिए उसको कहते हैं क्या, यूनिवर्सल. हाँ, ऐसा कोई और धरती का पदार्थ नहीं है, वस्तु नहीं है जो इससे ज्यादा चीजों को डिजोल्व कर सके, कोई भी वस्तु. तो सॉलिड्स हो गए, लिक्विड्स हो गए, और इवन गैसेस हो गए, सब पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, और इसी वजह से उसको कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट. अच्छा, पानी एक हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है. ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, पानी में पोल्स पैदा होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स पैदा होते हैं, समझ गया ना. पानी की खास बात क्या है कि पानी खुद में, यस, वाटर खुद में H2O, वाटर खुद में क्या करता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कौन सा फोर्स, कीवर्ड है, याद कर लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि
पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करने में मदद करता है, इसीलिए किसी भी चीज़ को क्या करता है, वो डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, मतलब सॉरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, और या तो मैंने कहा नॉर्मल सॉलिड लिक्विड गैसेस भी, सब पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब आता है पानी, क्योंकि मैंने कहा इतनी ज़्यादा चीज़ों को डिसॉल्व कर लेता है, इसीलिए नॉर्मली जो पानी है वो मैला गंदा हो जाता है। हाँ, जो रिवर का वाटर है आपके पास, इवन लेक का वाटर है, पॉन्ड का वाटर है, वेल का वाटर है, इवन आपके घर में आने वाला नल वाला पानी भी है, वो भी अब पीने लायक नहीं है। समझ गए क्यों नहीं है पीने लायक? अरे इतनी सारी चीज़ें डिसॉल्व हो जाती है ना। आपने जो नाले का पानी, गटर का पानी देखा, वो गंदा कैसे है? सब कुछ क्योंकि उसमें समा जा रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अच्छा, आजकल डिस्टिल्ड वाटर, जी डिस्टिल्ड वाटर समझ गए ना, लैब में भी यूज़ हो रहा है आपके। डिस्टिल्ड वाटर इज कैप्ट इन सील्ड बॉटल्स, ठीक है ना, सील्ड बॉटल्स में रख देते हैं, और जब वो लंबे समय तक सील्ड बॉटल्स में रखते हैं, इट लीव्स एचिंग। एचिंग मतलब होता है वाइट, यस, मार्क दिखाई देने लगता है। आप चाहें तो आप अपने घर में पानी की बॉटल्स पे भी देख सकते हैं। हाँ, अपने फ्रिज में रखी पानी की बॉटल्स को भी ध्यान से देखा है आज मेरे कहने पे? हाँ, अभी पढ़ने के बाद, अभी तुरंत मत जाओ बीच में, जाओ अपनी फ्रिज से क्या करो, जो पानी की बॉटल रखी है उसको थोड़ा पास में ला के देखो, देखना ध्यान से मेरे कहने पे। आपको बॉटल के जहाँ कैप होगा, जहाँ बॉटल का, ठीक है, या बॉटल की जहाँ बॉडीज होंगी कोने में, आपको वाइट मार्क्स दिखाई देंगे, ध्यान दीजिएगा कभी। तो ये पानी का मार्क कहाँ से आ रहा है? डिजॉल्व इम्प्योरिटीज की वजह से है। उसके अंदर जो डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हर कुछ समा लेता है अपने अंदर भाई, ये साबित करते हैं इससे। एक और प्रूफ दें, एक और प्रूफ करें कि पानी में डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं। आओ एक और प्रूफ देता हूँ, चलो एक एक्सपेरिमेंट से बताता हूँ कि पानी में डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं। एक क्या करते हैं, एक ग्लास प्लेट लेते हैं, क्या चीज़, एक ग्लास प्लेट लेते हैं, वॉच ग्लास जिसे कहते हैं वो लेते हैं। ध्यान से देखो मेरे डायग्राम में, वॉच ग्लास लिया मैंने और इसमें पानी डाल देते हैं, अभी डालता हूँ, रुक जाओ पानी डालता हूँ। वॉच ग्लास को किसके ऊपर रखते हैं? वॉच ग्लास को एक बीकर में रखते हैं, वॉच ग्लास को एक बीकर में रखते हैं। बीकर में देखिए नीचे पानी भरा हुआ है बीकर में, और इस वॉच ग्लास में भी हमने पानी रखा था यहाँ पर, कहाँ पर, इस वॉच ग्लास में, एक राउंड सा ग्लास होता है, पहले इसमें पानी भरा, और इसको हीट डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, इस वॉच ग्लास को डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हैं, किससे हीट कर रहे हैं, इससे हीट कर रहे हैं, किससे, इससे, यहाँ पे जला देते हैं गैस, ठीक है, इसको मतलब हीट सप्लाई दे देते हैं, देखिए हीट दे दिया इसको, दिया हीट, तो इसकी हीट से पानी बॉयल होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ होगा सर, ये जब पानी बॉयल होगा यहाँ पे हीट मिलेगी इसको। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये जो पानी यहाँ पे था वो वाइट रिंग्स प्रोड्यूस करेगा जी, ये जब पानी सारा यहाँ से वेपरेट हो जाएगा, यहाँ पर वाइट रिंग्स फॉर्म करेगा, और ये रिंग्स किस और की नहीं, डिजॉल्व सॉल्ट्स की होंगी। सो हैंस प्रूव, क्या प्रूव कर दिया, कि पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं, साबित कर दिया, समझ गए, एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव कर दिया। घर में मैंने बताया पानी की बॉटल वाला एग्जांपल, चेक करके जरूर देखना मेरे कहने पे। तो क्या ये जो डिजॉल्व सॉलिड्स हैं, ये डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, क्या किसी काम की है क्या? आइए मैं बताता हूँ, बड़े काम की चीज़ है ये डिजॉल्व सॉलिड्स। हाँ मैंने कहा ना, अगर एकदम आरओ का पानी पीते हो ना, कैसा फीका फीका सा लगता है, अजीब सा लगता है। हाँ, जब पहली बार आरओ का पानी पीना होगा तो पीने का मन भी नहीं कर रहा होगा, है ना, पर अब तो खैर आदत हो गई है। तो पानी जो आरओ वाला है, या मिनरल वाटर है, या बिस्लरी वाटर है, जो कभी कभी बाजार से पीते हैं, थोड़ा फीका लगता है, क्योंकि इसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स नहीं होते हैं। पर डिजॉल्व सॉल्ट्स होने की वजह से, डिजॉल्व मिनरल्स के होने की वजह से, इवन इम्प्योरिटीज़ के होने की वजह से, पानी में स्वाद आ जाता है। पानी में जो सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो इसीलिए प्लांट के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो आपके बोन्स के लिए पानी ये वाला अच्छा है। और क्या करता है, मैंने बताया पानी में क्या आ जाता है, सॉल्ट मिलने से स्वाद आ जाता है, वरना पानी मैंने कहा फीका फीका लगता है। और क्या मिलता है आपको, जरूरी मिनरल्स मिलते हैं, जैसे मैंने बताया कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये डिजॉल्व होते हैं इसके अंदर, और इसके डिजॉल्व होने से मैंने कहा हमारे बोन्स स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए डिजॉल्व सॉल्ट्स होना फायदेमंद भी है, पर मैंने कहा अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आपके शरीर के लिए नुकसान भी हो जाएगा। तो पानी में डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, क्या पानी में डिजॉल्व गैसेस भी हैं?
अरे हाँ भाई, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, गैसेस क्यों नहीं होगा? फिर एक्सपेरिमेंट से मानोगे, बिना उसके नहीं मानोगे? चलो आओ एक्सपेरिमेंट इसका भी बताते हैं। क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, ठीक है, ठीक है, और इसमें इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ठीक है, इसको कनेक्ट कर देंगे, इसको पहले बंद कर देंगे बीकर को, इसमें से एक टेस्ट ट्यूब को निकालेंगे, कलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको अंडर वाटर पास कर देंगे, क्या करेंगे, अंडर वाटर इसको पास कर देंगे, देखेंगे, यस, अंडर वाटर इसको पास कर देंगे, देखेंगे क्या हो रहा है इसके अंदर। आइए, जब इसको अंडर वाटर पास करेंगे, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, इसमें है वाटर, ध्यान दीजिए, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, हमने इस पानी को क्या करना है, हीट करना है, पानी को हीट कर रहे हैं, यहाँ से पानी से निकल रही है गैसेस, डिजॉल्व गैसेस जा रही हैं, और यहाँ पर आकर के क्या हो जा रही है, इस फ्लास्क में ऊपर जाके सरफेस में कलेक्ट हो जा रही है। क्या प्रूव करना चाहते हैं, कि पानी में डिजॉल्व गैसेस होती हैं, डिजॉल्व एयर होती है, ठीक है, और ये पानी में जो डिजॉल्व गैसेस है वो कहाँ से आई, मैंने पहले ही बताया, पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन, हाँ स्पेलिंग दे दीजिए, ऑक्सीजन पानी में ज़्यादा डिजॉल्व होती है नाइट्रोजन से, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा सॉल्युबल है। लॉजिक क्या है, पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा है, एयर में, हाँ हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ एयर में नाइट्रोजन ज़्यादा है, पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है, पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, रीज़न क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा सॉल्युबल है, नाइट्रोजन लगभग इनर्ट गैस है, इनर्ट है नहीं मैं बता दे रहा हूँ, ज़्यादा क्या है, यस, ज़्यादा रिएक्टिव गैस नहीं है, और क्या है परसेंटेज, आइए देखिए, द कंपोजिशन ऑफ वाटर, द कंपोजिशन ऑफ एयर, पानी में एयर में क्या क्या है, पानी में, यस, वाटर में 33% ऑक्सीजन है, 66% नाइट्रोजन है, और 1% कार्बन डाइऑक्साइड है, और हमारे एटमॉस्फेयर में बात करोगे तो, हमारे एटमॉस्फेयर में बात करोगे तो 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, और लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। देखा, क्या साबित करना चाहते हैं, कि पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा है ना, रीजन बता दिया, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा सॉल्युबल है। अभी क्या काम आती है इस ऑक्सीजन, देखिए इस ऑक्सीजन का बहुत यूज है, सोचिए मछलियों के बारे में जो पानी से ही ब्रीथ करती हैं, उनको पानी से ऑक्सीजन कौन दे रहा है, यही डिजॉल्व ऑक्सीजन, समझ गए ना, तो मैरीन लाइफ पॉसिबल तभी हो पाएगी, मछलियां जिंदा तभी रह पाएंगी। हाँ, क्या आपके घर में एक्वेरियम है क्या, हाँ आपके यहाँ एक्वेरियम है क्या, ओ मछली वाला जो रखते हैं लोग, हाँ फिश टैंक रखते हैं ना, तो अगर आपके घर में एक्वेरियम होगा तो आप जरूर एक्वेरियम में क्या लगाए होंगे, एक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए एक पंप लगाए होंगे, देखा होगा लगातार उसमें पानी गुड़ गुड़ गुड़, क्या कर रहा है वो पंप उसमें पानी में फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई देते जा रहा है, वरना मछलियाँ मर जाएंगी, अगर आपने पंप नहीं लगाया ना वाटर वाला, हाँ मछलियाँ आपकी मर जाएंगी सारी, उसका सारा ऑक्सीजन कर लेंगी, मर जाएंगी, इसीलिए लगाना पड़ता है। तो फिश क्या करती हैं, ऑक्सीजन ले लेती हैं जो पानी में डिजॉल्व है, भाई उनकी बॉडी में जानते हैं गिल्स होता है, उनके पास एबिलिटी होती है, जैसे आपके पास नोज है ना, लंग्स है ना आपके पास, एयर में डिजॉल्व ऑक्सीजन ले लेते हो ना, तो वो पानी में डिजॉल्व ले लेती है बस। और क्या करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो भी क्या है, पानी में है, डिजॉल्व है, ठीक है। और अब आते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, आइए जाने, देखिए दो चीज से मिलकर सॉल्यूशन बनेगा, आपको चाहिए एक सॉल्यूट और चाहिए सॉल्वेंट। एग्जांपल दूं, हाँ तुम बहुत बार बनाते हो, हाँ क्या आप मिल्क पीते आते हैं, सुबह स्कूल मिल्क पी के जाते हो, हाँ नहीं, अच्छी आदत नहीं है, पीना चाहिए, हाँ क्या करना है, एक ग्लास मिल्क में आपने एक स्पून क्या कर दिया, शुगर ऐड किया, बन गया सॉल्यूशन। क्या सिर्फ दूध में ऐड करने से, नहीं, हम बात करेंगे पानी में ऐड करने के लिए। तो सॉल्यूट जो होता है वो यूजुअली एक सॉलिड होता है, सॉल्यूट वो सॉलिड होता है जो लिक्विड में, हाँ सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है, इसमें डिजॉल्व हो जाता है। मेरे एग्जांपल में आप कह सकते हैं कि आप
शुगर को पानी में ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, घुमा लीजिए चम्मच, क्या बनेगा, क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो बहुत ही आसान चीज़ है आपके आम जिंदगी में, मैंने कहा यस सॉल्यूशन बहुत कॉमन है। अच्छा कहीं आप रसना या मैंगो का ड्रिंक घर में बना लेते हैं अपने, तो वो भी एक तरह का सॉल्यूशन ही तो है। आओ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। ध्यान दीजिएगा कीवर्ड क्या है, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब होता है एक जैसा, सेम थ्रू आउट, ठीक है, जिसमें एक जैसी प्रॉपर्टी हो उसे कहते हैं होमोजीनियस। तो ऊपर से नीचे तक एक जैसा दिखना चाहिए, स्वाद में भी, कलर में भी, टेस्ट में भी। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, और कैसे बनता है, बाय रिलेटिव अमाउंट ऑफ द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स को के चेंज होने पे भी क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। आइए मैं भी, मैंने बताया कि इसमें एक सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट वो मीडियम होता है जिसमें चीज़ें डिजॉल्व होती हैं। मैंने आसान भाषा में बताया कि लिक्विड हो सकता है सॉल्वेंट, जैसे कि मेरे एग्जाम्पल में वाटर, वाटर मेरा क्या है, सॉल्वेंट। और दूसरा क्या चाहिए होता है, वो सब्सटेंस जो इस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। हाँ मैंने एग्जाम्पल दिया शुगर का, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सो सॉल्यूशन दो चीज़ से मिला है तो उसको बाइनरी कहेंगे। अगर दो दो चीज़ों से मिलके बना है, जैसे मेरे एग्जाम्पल में हो रहा था शुगर प्लस वाटर, तो ये बाइनरी है। अगर तीन और चार, तीन से मिला मिल चीज़ों से मिलके बना है तो टेरनरी हो जाएगा, और अगर चार चीज़ें मिला के बनाया गया है तो क्वाटरनरी हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी, टेरनरी, क्वाटरनरी, क्लियर है। चलो अब आते हैं, तो जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉलिड सॉलिड मिल जाए तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसका नाम देंगे सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। क्या ऐसा होता है क्या? हाँ भाई होता है, अलॉय में ऐसा होता है। सॉलिड सॉलिड को पहले पिघला देते हैं, मिल आकर के बना देते हैं अलॉय। आपने ब्रॉन्ज नाम सुना होगा, सुना है ब्रॉन्ज, नहीं सुना है, मैग्नीलियम नाम सुना होगा, ये सुना है। तो ये सब क्या है, ये एक अलॉय है। को अलॉयज क्या बन जाते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं। आपको पता होना चाहिए गोल्ड जो होता है, प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, ज्वेलरी के काम नहीं आता है, उसको हार्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें सिल्वर या कॉपर ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो गोल्ड यूज इन मेकिंग ज्वेलरी इज अ सॉलिड सॉल्यूशन कंटेनिंग गोल्ड एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कॉपर और सिल्वर। क्यों सिल्वर कॉपर क्यों ऐड करते हैं गोल्ड में, सोचा है कभी? अरे हार्डनेस लाने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब सॉल्यूशन की साइज, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल की साइज, जिसमें जो सॉल्यूट मिलाया है हमने उसकी साइज 10^-10 m होगी, तो वो सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। ट्रू सॉल्यूशन, सच्चा सॉल्यूशन, ट्रू फॉल्स वाला ट्रू नहीं, यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन मतलब होता है जो एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब है ऐसे सॉल्यूशन में अगर आप टॉर्च की लाइट लगाएंगे तो क्या होगा, लाइट क्लियरली पास थ्रू कर जाएगी, क्योंकि वो क्या है, एकदम क्लियर होगा। ट्रू सॉल्यूशन कितनी होती है, 10^-10। ध्यान दीजिएगा मैंने इसको करेक्ट करके लिखा है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं और सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, क्या नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स कि आप उनको क्या नहीं करोगे, यस अलग अलग नहीं कर पाओगे। आइए ट्रू सॉल्यूशंस को या सिंपल सॉल्यूशंस को कुछ करेक्टरिस्टिक्स जाने। हाँ पानी का चाशनी वाला सॉल्यूशन जो तुमने बनाया था वो भी तो ट्रू सॉल्यूशन है, नहीं बनाया तुमने कभी, बना के देखना आज, अगर नहीं बनाया तो बनाया होगा, कभी ना कभी तो जरूर बनाया होगा, शुगर नहीं तो सॉल्ट सॉल्यूशन तो जरूर बनाया होगा, तो बस दोनों हो गए ट्रू सॉल्यूशन तुम्हारे लिए। नहीं मिलाया है कभी चुटकी भर नमक में पानी में, मिलाया है कि नहीं मिलाया, पक्का मिलाया होगा, तो ट्रू सॉल्यूशन है। कैसा है, होमोजीनियस है। दूसरा, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत बहुत छोटे हैं, साइज बता दिया कितनी है, 10^-10 m, और ये क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट रेज अगर इसमें पास करेंगे तो स्कैटर नहीं करेगी, स्प्रेड नहीं करेगी, और इसके कंपोनेंट्स को फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं करेगी, क्योंकि डिजॉल्व हो जाता है ना,
जो अनडिजॉल्व पार्टिकल होते हैं, प्रेसिपिटेट पार्टिकल होते हैं, उनको आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हो, फिल्टर पेपर लगा करके कर सकते हो। हाँ, चाय पत्ती चाय में डिजॉल्व होती है कि नहीं, जब मम्मी लोग चाय बना रही होती हैं तो क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं, चाय की चीज छन्नी होती है तो फिल्टर हो गई कि नहीं हो गई, समझ गए ना, आप फिल्ट्रेशन नहीं भूलोगे, तो इसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन है। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन। सर, सेटल डाउन हो जाएगा तो वो हैवी होगा ना भाई, इसका मतलब है ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूट पार्टिकल इसके कम। एक ग्लास ऑफ वाटर लिया यहाँ टॉप तक और इसमें एक स्पून ऑफ शुगर मिला दिया, कितना, एक स्पून ऑफ शुगर मिला दिया, क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो सर कॉन्सेंट्रेट कब बनेगा, अरे भाई 10 स्पून मिला दो ना इसमें, हाँ, तो अब क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या कर दिया आपने, बहुत ज्यादा मिला दिया, सॉल्यूट ज्यादा है तो बन जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड। क्या सॉल्यूट मिलाते रह सकते हैं हमेशा के लिए, सोचिए, एक ग्लास ऑफ वाटर है आपके पास, पहले तुमने एक चम्मच डिजोल्व किया, घुल गया, दो, तीन, चार, पांच, छः, दस, अरे भाई बस, तो जब ये डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया था, आपने 10 चम्मच क्या किया, शुगर मिलाया और उसके बाद आप शुगर मिला रहे हैं पर शुगर डिजोल्व हो ही नहीं रही है, तो तब क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द टेम्परेचर उसका क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, जिस टेम्परेचर पे ऐसा हो रहा है क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर पे उसको कहेंगे सैचुरेशन आ गया। क्या चीज याद रखिए, टेम्परेचर इसमें की फिगर है, तो एक गिवन टेम्परेचर में ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब और सॉल्यूट, और मेरे एग्जांपल में मैंने बताया चीनी डिसॉल्व नहीं हो रही है एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसा हो जाता है। अब मुझे और शुगर डिसॉल्व करनी है, जिद है मेरी, नहीं हम मानेंगे नहीं, हम और करके दिखाएंगे सर, तो मैंने कहा फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस गिवन टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा, और इस टेम्परेचर को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप हीट कर दो। तो अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को भी हीट कर दिया जाए, टेम्परेचर उसका राइज कर दिया जाए और फिर उसमें सॉल्यूट डालें, फिर चीनी मिलाएं, हाँ, और डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि क्या हो जाएगा ना, पार्टिकल्स क्या करेंगे अब, और क्या करेंगे, शुगर एब्जॉर्ब कर पाएंगे, हाँ, और डिसॉल्व हो जाएगा, तब क्या बोलेंगे, क्या तब भी अनलिमिटेड डिसॉल्व कर पाएंगे, नहीं, तब थोड़ा और डिसॉल्व होने के बाद क्या होगा, फिर सॉल्यूशन क्या होगा, फर्दर डिसॉल्व होना पानी में बंद हो जाएगा, अब और शुगर उसके बाद एक सर्टन ऐड होने के बाद डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी, तब उसका नाम क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड। इसकी भी एक लिमिट है, अनलिमिटेड नहीं होगा, ये मत सोचो, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा सैचुरेटेड के बियॉन्ड, समझ गया ना, जब आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर उसका रेज कर दिया। चलो, हीट करने पे मैंने बताया क्या होने वाला है, तो इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज हीटेड, और हीट करेंगे तो ये फिर से अनसैचुरेटेड बन जाएगा और सॉल्यूट फिर से ऐड हो जाएगा, क्लियर, ये रहा ये वाला पॉइंट मैं कहना चाह रहा था, सुपर सैचुरेटेड, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मोर कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है और ज्यादा क्या हो सकता है, सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, और ये वाला पॉइंट अनसैचुरेटेड, तो नॉर्मल सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, जो ग्लास ऑफ वाटर लिया है आपने उसमें एक स्पून ऑफ शुगर ऐड किया है तो अभी आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो बस, तो अब आप उसको कहोगे अनसैचुरेटेड, जब तक आप और ऐड कर सकते हो तब तक ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी मतलब डिसॉल्व करने की क्षमता, इसका एक की वर्ड है आपको याद करना पड़ेगा, की वर्ड क्या है, कितना सॉल्यूट, यस, क्या कितना सॉल्यूट, मेरे एग्जांपल में मैंने एग्जांपल दिया था शुगर, मैंने तो पूरा एग्जांपल शुगर से ही समझाया अभी तक, है ना, सारे एग्जांपल मैंने शुगर का इस्तेमाल किया, तो कितनी चीनी मिल सकती है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, सोचिए आपके पास पानी कितना है 100 ग्राम बस, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लेते हैं अभी टेम्परेचर चल रहा है
30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे कितनी शुगर उसमें डिजोल्व हो रही है, बस इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड है सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी भी जब मेजर करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेजर करते हैं। जैसे सेचुरेशन पॉइंट मेजर कर रहे थे तो टेम्परेचर होना जरूरी है, गिवन टेम्परेचर होना जरूरी है, ठीक है। अब आता है सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है। आइए एग्जाम्पल देते हैं। क्या आपको यस तुम्हारे पास आपको चीनी जल्दी डिजोल्व करनी है, आपको आपके जो मम्मी ने ग्लास ऑफ मिल्क दिया है उसमें चीनी जल्दी डिजोल्व करनी है, कैसे करोगे? मैं तरीका इसी पॉइंट से बता दूंगा, ठीक है। आपके पास एक ग्लास ऑफ मिल्क है और आपको उसमें शुगर डालना है, तो सबसे पहला क्या करो, शुगर जो है वो पीस दो। यस, शुगर को क्या करो, उसके शुगर के पार्टिकल्स को, सॉल्यूट को। मेरे एग्जांपल में सॉल्यूट कौन दिया है, मैंने एग्जांपल बार बार, मैंने तो एग्जांपल शुगर दिया, बस मैंने कहा शुगर को क्या कर दो, माइन्यूट कर दो, छोटा कर दो। तो शुगर की साइज छोटी हो जाएगी, तो स्मॉलर द साइज हो जाएगी, ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगी उसको, नतीजा जल्दी मिलेगा। हाँ, आजमा के देखना। और अगर मिश्री के दाने, हाँ मेरी बात सुनो, अगर मिश्री के मिश्री सुना है ना, चीनी के बड़े बड़े जो गुड़ की डली होती थी, चीनी मिश्री की डली होती थी मोटी मोटी, उसको अगर अगर आपने डिजोल्व करने की कोशिश की तो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। डिजोल्व करते रह जाओगे, करते रह जाओगे, करते रह जाओगे, सबसे मुश्किल डिजोल्व होगा। तो जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना जल्दी डिजोल्व होगा। और क्या करो, स्टीयरिंग करो, स्टीयरिंग तो जानते ही, जल्दी डिजोल्व करना चाहते हो, जल्दी 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 तेज से स्टीयरिंग करो। स्टीयरिंग करने से क्या होता है, स्टीयरिंग करने से ज़्यादा, यस, मोर ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कम इन कॉन्टैक्ट, दोनों जल्दी जल्दी क्या करते हैं, इन कॉन्टैक्ट आते हैं जब आप जल्दी जल्दी स्टीयर करते हो, बस जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। और किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो आप जानते हैं बेसिकली, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। याद रखिएगा, पर ये रूल सॉलिड पे अप्लाई होता है, गैसेज में उल्टा हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। मेरा एग्जाम्पल तो यह शुगर से था, तो अगर ज़्यादा गर्म दूध होगा, गर्म चाय होगी, चीनी जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी, और ठंडी होगी तो नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़े, क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रेशर का। हाँ, प्रेशर, आपको पता है जो कोल्ड ड्रिंक्स बनती हैं बाजार में, हाँ जो बाजार में कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल हैं वो कैसे बनी है मालूम है आपको, आप पीते हैं काला मीठा पानी, हाँ थम्सअप कोको कोला, मेरी भाषा में उसे कहते हैं काला मीठा पानी। तो उसको बनाया कैसे गया है, तो उसके अंदर हाँ कलर मिलाया गया है, शुगर मिलाया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया गया है अंडर प्रेशर। तो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेंगे गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज इन प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो प्रेशर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ऑल्सो इंक्रीज, एरो देखा, दोनों इंक्रीज हो रही है, इसका उल्टा कर दो रिवर्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, द मास ऑफ द गैस डिजोल्व, जितनी गैस डिजोल्व हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर है। जितना, इसका मतलब आया, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा मास ऑफ गैस डिजोल्व होगी, और ये बताने वाले हैं हेनरी जी, इसीलिए उनके नाम से है हेनरी लॉ। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। हाँ देखो, टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्यूट की कही थी, शुगर की कही थी एग्जांपल, सॉलिड की कही थी, तो गैस में उल्टा हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, देखो मैंने लिखा एस कैपिटल में याद दिलाने के लिए, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। क्योंकि हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें डिजोल्व गैसेस भी भाप बन के उड़ जाएंगी। चलो अगला टॉपिक आ रहा है क्रिस्टल। हाँ, आपने चीनी देखा है, जरूर देखा होगा, चीनी के पार्टिकल को जरा पास से देखना। तो जिसका क्या हो, एक डेफिनाइट शेप हो, क्या कीवर्ड है, एक डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप हो जिस सॉलिड का, उसको हम कहते हैं क्रिस्टल। डायमंड को तो देखा ही होगा, हाँ मम्मी अम्मी की अंगूठी में देख लिया होगा, कान उनके बाली में देख लिया होगा, बहुत क्या खूबसूरत लगता है ना। तो उसका क्या याद दिलाना चाहता हूँ आपका, उसका डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप याद दिलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्रिस्टल की खास बात क्या होती है, क्रिस्टल एक ऐसा सॉलिड होता है जिसका एक निश्चित शेप होता है।
हाँ डायमंड एक क्रिस्टल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं शेप का याद दिलाने का था। तो खास बात क्या है, ये सिमेट्रिकल शेप अरेंज होता है, इसके स्मूथ प्लेन सरफेस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रोसेस से क्रिस्टल बनता है, हाँ तुम भी बना सकते हो क्रिस्टल, उस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, प्रोसेस बाय विच क्रिस्टल इज फॉर्म। एक एग्जाम्पल दूं कैसे क्रिस्टल बनाने हैं, आपने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ले लेना है, क्या चीज, सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें आपने खूब सारा सोल्यूट मिलाया था, अब आप सोल्यूट मिलना डिजोल्व होना बंद हो गया है। वही चीनी वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, अभी बनाया था हमने चीनी का सोल्यूशन ना, खूब चीनी मिला दी, एक ही ग्लास सब वाटर में मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, और अब शुगर डिजोल्व होना बंद हो गई है। तो मैंने कहा था ऐसा सोल्यूशन क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब इसको क्या करो, ठंडा कर दो, यस, चिल कर दो, रख दो, कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, ये मिश्री बन जाएगा, जिस भी सरफेस पर रखोगे उसका वो शेप ले लेगा, ध्यान दीजिए क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, लेट्स एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपने एक बीकर लिया, ठीक है, इसमें शुगर सोल्यूशन रख दिया, ध्यान दीजिएगा शुगर सोल्यूशन रख दिया, और इस शुगर सोल्यूशन में याद दीजिए, इस शुगर सोल्यूशन में यहां देखिए आपको क्रिस्टल ऑफ शुगर चाहिए, क्या करो यहां से शुगर के पार्टिकल को हैंग कर दो, कुछ दिन तक शुगर का पार्टिकल पड़ा रहेगा और ये साइज इसकी क्या हो जाएगी, अपने आप बड़ी हो जाएगी। तो क्रिस्टल ऐसे भी बनाया जा सकता है, ठीक है। आइए और जाने वाटर की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, हाइड्रेटेड, तो जिस भी सब्सटेंस में पानी होगा क्या होगा, वाटर होगा, वाटर का मॉलिक्यूल होगा, ध्यान दीजिएगा वाटर का मॉलिक्यूल होगा तो उसे कहते हैं हाइड्रेटेड। एक एग्जांपल दे रहा हूं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मूला है। और एग्जांपल दूं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2O, ये है किसका पानी एग्जांपल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का एग्जांपल। तो ये लोग हाइड्रेटेड हैं, कैसे पता चल रहा है सर आपको हाइड्रेटेड है, ये जो डॉट और वाटर लिखा है इसके आगे, डॉट और वाटर, ठीक है, यही बताता है, डॉट और वाटर बताता है कि ये एक क्रिस्टल है, क्या है ये क्रिस्टल है, इसमें पानी एडेड है। ये डॉट क्यों लगाया है सर, हाँ ये डॉट क्यों लगाया सर, यहाँ पर डॉट आपने क्यों लगाया, तो इट शोज कि वाटर इज लिक्विड कंबाइंड, इसका मतलब अगर हम हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा, क्रिस्टल क्या हो जाएंगे, वापस पाउडरी सब्सटेंस बन जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिनका सॉल्ट में पानी नहीं होता है, ऐसे को हम लोग कहते हैं एनहाइड्रस, मतलब जो जो क्या करते हैं, यस पाउडरी रहती होती है, जैसे कि घर का नमक, हाँ आपके घर का नमक आप देखेंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल दिखाई देंगे, बहुत छोटे 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 क्रिस्टल दिखाई देंगे, और ध्यान से देखेंगे घर के नमक को आज उठा के घर के अंदर बड़े छोटे से, बट मैंने कहा इसके अंदर पानी डिजॉल्व नहीं है, समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, है ना, जिसको नाइट्रेट के नाम से भी जाना जाता है, ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं किसके, एनहाइड्रस। वापस आते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये क्या होता है, जो मैंने अभी जस्ट एग्जाम्पल दिया, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर कंबाइंड, ठीक है, जो किसी सॉल्ट में क्या फिक्स्ड नंबर, एक कीवर्ड है इसका, पानी फिक्स होना चाहिए तभी उसका क्या होता है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। जैसे मैंने बताया कॉपर CuSO4.5H2O, ये है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, इसकी पहचान है ये ब्लू कलर का होता है, किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, इसी को कहते हैं, इसमें ये जो पानी कंबाइन है इसीलिए इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अगर आप इसको हीट कर देंगे, हीट कर देंगे तो कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। हाँ जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आपने सीरियसली पढ़ लिया होगा इसके बाद आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरा वर्ड टू वर्ड आपके बुक के क्या कर रहा हूँ, कंटेंट को यस यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसके बाद बुक खोलने की कोई जरूरत नहीं, इस वीडियो के बाद आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस नोट्स के लिए टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने राइजिंग स्टार नाम के ग्रुप बना रखे हैं, वहां से आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए
जो ईमानदारी से पढ़ रहा है, मैं उसको बता रहा हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी और चैनल या कहीं किसी और ग्रुप में देखने की जरूरत नहीं है, आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आइए एफ्लोरेसेंस, कुछ पानी की प्रॉपर्टीज के बारे में और बताएं। पानी में खास प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि कभी कभी जब उसमें क्रिस्टल डिजॉल्व है पानी में, सॉलिड में, तो वो अपने आप को क्या करता है, पानी में सॉलिड में, तो वो अपने क्या करता है, अपने इस क्रिस्टल शेप को लूज कर जाता है अपने आप नॉर्मल एयर में। तो इस फिनोमेना को कहते हैं एफ्लोरेसेंस। कीवर्ड क्या है इसमें, लूज कर जाना। अ फिनोमेना इन अ कंपाउंड लूजेस इट्स वाटर क्रिस्टलाइजेशन, इसका मतलब जो उसको क्रिस्टल बना रहा था, जो उसका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप था, अपने आप एयर में रखने की वजह से क्या हो गया, वो वापस पाउडरी बन जाएगा। सही कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। दिस रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल शेप चला जाएगा, क्रम्बल्ड ऑफ क्रिस्टल हो जाएगा और वो पाउडर में कन्वर्ट हो चुका होगा, फ्रॉम क्रिस्टल टू पाउडर बन जाएगा। हाँ, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। क्या? एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस, जो ऐसा करते हैं। इसका ठीक रिवर्स कर दो, हाँ इसका रिवर्स कर दो, बन जाएगा डेलिक्विसेंट। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो एटमोसफियर से उल्टा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कीवर्ड है एब्जॉर्ब मॉइस्चर। और क्या कीवर्ड है? इतना ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, इतना ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं कि जो खुद ये क्रिस्टल होते हैं, खुद क्रिस्टलाइन होते हैं, पहले अपना क्या करते हैं, डिसॉल्व लिक्विड बन जाते हैं, दे बिकम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाते हैं। पहले खुद सॉलिड होते हैं, एटमॉस्फेयर से पानी एब्जॉर्ब करते 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 क्या बन जाते हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाते हैं खुद भी, तो अपना भी क्रिस्टलाइजेशन लूज कर जाते हैं। एफ्लोरेसेंस में लूज कर रहे थे, एयर में अपना मॉइस्चर लूज कर जा रहे थे, या उल्टा कर रहे हैं, एयर से मॉइस्चर गेन कर ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, डेलिक्विसेंस इस प्रॉपर्टी को, डेलिक्विसेंसी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं। अगर मुझे एग्जांपल कहेंगे तो मैं आपको सल्फ्यूरिक एसिड का भी एग्जांपल दे सकता हूँ, कैल्शियम क्लोराइड का भी दे सकता हूँ। हाँ, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, मॉइस्चर एयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब ड्राइंग एजेंट, तो जो क्या करे, मॉइस्चर किसी से एब्जॉर्ब कर ले तो, हाँ दूसरे का मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाले को ड्राइंग, तो जो क्या करे, ड्राइंग एजेंट क्या करता है, रिएक्ट भी नहीं करता है उसके साथ, पर उसके अंदर का मॉइस्चर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। भाई ये सारे, यस ये सारे जो डेलिक्विसेंट हैं, ठीक है ना, ये क्या कर रहे थे, एयर से एब्जॉर्ब कर रहे थे कि नहीं, तो किसी कंपाउंड से नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बस जब करेंगे तो ड्राइंग एजेंट बन जाएंगे। गैसेस को ड्राई करना होगा तो क्या करेंगे, आइए कुछ एग्जांपल देते हैं। आपके पास डिसॉल्व गैस है जिसमें मॉइस्चर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से पास कर देना पड़ेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर है, पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। और क्या कर सकते हैं, एक ड्राइंग टावर से पास कर सकते हैं गैस को, या एक यूट्यूब से पास कर सकते हैं। हाँ, यूट्यूब से पास कर, यूट्यूब का शेप ही ऐसा यू होता है, ठीक है, और या तो क्या कर सकते हैं, उसमें क्विक लाइम या एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट इसके ऊपर से उस गैस को पास कर दीजिए, गैस का मॉइस्चर एब्जॉर्ब, ठीक है। या तो एक ड्राइंग बल्ब में क्या कर सकते हैं, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड रखा है, उससे भी इसको पास करते हैं। गैसेस को ड्राई करने के तीन तरीके, ठीक है ना, हाउ गैसेस कैन बी ड्राइड, तो तीन तरीका बता दिया। याद रखिएगा, एक कॉमन सब्सटेंस जो बहुत जगह काम आने वाला है, क्विक लाइम। क्विक लाइम एक बहुत ही कॉमन और इजीली अवेलेबल सब्सटेंस है, जो कि बेसिक इन नेचर होता है और ड्राइंग के काम आता है। किसको? ड्राइंग ऑफ अमोनिया। अगर आप पूछेंगे कि अमोनिया को ड्राई करने के लिए क्या सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं, मैं कहूंगा नहीं। अगर अमोनिया नाम की गैस है, हाँ अमोनिया एक गैस है, उसको ड्राई करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, क्विक लाइम का, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अमोनिया भी बेसिक गैस है और क्विक लाइम भी बेसिक है, इसीलिए रिएक्शन नहीं होगा। याद रखिएगा, ड्राइंग एजेंट का काम क्या है, सिर्फ पानी एब्जॉर्ब करना, ना कि उसके साथ रिएक्ट कर जाना, रिएक्शन नहीं करना है हमको, ठीक है, सिर्फ उसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कराना है। नेक्स्ट, सॉलिड को ड्राई कराना होगा तो क्या करेंगे, सॉलिड को ड्राई करना हो तो आप वॉच ग्लास में रख दीजिए, किसी एक डिश में रख दीजिए, और उसको एक डेसिकेटर में डाल दीजिए। क्या कीवर्ड है, डेसिकेटर। डेसिकेटर एक एपरेटस है, क्या चीज, डेसिकेटर एक एयर टाइट वेसल है, एक ऐसा एपरेटस है जिसके बॉटम में ड्राइंग एजेंट रखा होता है, और ये क्या करता है, सॉलिड को भी ड्राई कर सकता है।
हाँ सॉलिड्स को भी ड्राई कर सकता है डेसिकेटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये सारे टॉपिक को समझ लिया, और अब लास्ट का एक टॉपिक आ रहा है, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। हाँ पानी भी हार्ड होता है क्या? आप तो पीते हैं, ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, नहीं उससे मतलब नहीं है, आओ जाने। तो वाटर को सॉफ्ट तब माना जाता है अगर उस पानी में लादर फॉर्म हो। लादर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग झाग। पानी में क्या फॉर्म हो? झाग बने। हाँ आपने पानी में मिलाया सर्फ, मिला दी, डिटर्जेंट मिलाया, उसमें खूब सारी झाग पैदा हो रही है, होती है। तो अगर आपके घर में हो रहा है तो समझ जाइए आपका पानी जो है घर में वो सॉफ्ट वाटर है। जिस वाटर से क्या निकले? हाँ जिस वाटर से सोप मिलाने पर, डिटर्जेंट मिलाने पे झाग निकले, समझ जाओ पानी क्या है? सॉफ्ट वाटर है। ध्यान दीजिएगा, प्योर वाटर या जिस वाटर में सोडियम की सॉल्ट्स होगी वो लादर फॉर्म करेंगे, ठीक है। जबकि हार्ड वाटर कब होगा? इसका उल्टा कर दो। जिसमें क्या होगा? वाटर हार्ड तब कहेंगे, या इसको हार्ड वाटर तब कहेंगे जब उसमें लादर फॉर्म ना हो, झाग पैदा ना हो, मतलब उसमें सोप डिजोल्व नहीं होता। बस झाग ना पैदा होना मतलब कि उसमें सोप डिजोल्व नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? पानी हार्ड क्यों बन गया है? तो जो पानी रिवर वाटर होता है, स्प्रिंग वाटर होता है, अक्सर इसमें डिजोल्व मिनरल्स होते हैं। अब मिनरल डिजोल्व है तो कौन से मिनरल डिजोल्व है? तो ज्यादातर मिनरल्स कौन से? हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3, सल्फेट्स या क्लोराइड्स। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के ही चाहिए, इसके अलावा किसी के नहीं चाहिए। कैल्शियम के या मैग्नीशियम के? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का क्या मिल गया है? हाइड्रोजन क्लोराइड मिल गया है, सल्फेट मिल गया है या क्लोराइड मिल गया, इनमें से कुछ भी। समझ गए? पानी में अगर डिजोल्व हो गया तो कौन कर रहा है डिजोल्व? अरे भाई नेचर में हो जा रहा है, अपने आप से। नेचर में मिनरल्स मौजूद है ना, बताया तो। और पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, स्टार्टिंग में बताया था, तो बस वो डिजोल्व कर लेता है नेचर से, ठीक है ना भाई। पानी पहाड़ों से आ रहा है, वो बहते हुए आ रहा है, क्या पहाड़ों में, गुफाओं में क्या ये मिनरल नहीं पाए जा सकते हैं? क्यों नहीं पाए जा सकते हैं भाई? तो पाए जाएंगे तो पानी में डिजोल्व हो जाएंगे तो फिर वो पानी हार्ड हो जाएगा। अब उसको पानी को आप घर में लाओगे, समझ गया ना? तो कहां से आ रहा है, समझ गया ना? हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बायकार्बोनेट, अगेन बायकार्बोनेट दूसरा नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट का, या क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम या कैल्शियम के इन सॉल्ट से, ध्यान रखिएगा, बायकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट से। अच्छा पहाड़ों में, यस गुफाओं में, कई जगह जब पानी चला जाता है तो अगर वहां पे पहले से ही लाइमस्टोन है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, क्या बोला मैंने? कैल्शियम कार्बोनेट है, तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट की माइंस हैं तो वहां पे पिलर्स बन जाते हैं। कैसे पिलर्स बन जाते हैं? हाँ पिलर्स बन जाते हैं जो हैंगिंग फ्रॉम द रूफ करते हैं, कुछ ऐसे पिलर्स होते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ हैंग करते हैं ऐसे, ठीक है। जब ऊपर से नीचे कॉनिकल पिलर्स आते हैं, डाउनवर्ड आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे आने वाले पिलर्स को कहते हैं स्टेलेक। देखिए वर्ड क्या है, स्टेलेक्टाइट, ऊपर से नीचे आने वाले पिलर्स को, ठीक है, इनको कहते हैं स्टेलेक्टाइट्स। और इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, जो नीचे से ऊपर जा रहा है पिलर, ऐसे ऐसे देखिए, ठीक है। तो जो पिलर क्या कर रहे हैं, विच ग्रोज अपवर्ड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव, कहते हैं स्टेलेगमाइट, ठीक है। तो जी वाला, जी से ग्राउंड पकड़ लो, याद करने की जरूरत नहीं है, मेरे स्टाइल से याद कर लो, मेरे स्टाइल से याद कर लो, भूलोगे नहीं। इसमें सी से सीलिंग याद कर लो, क्या? स्टेलेक। देखिए ट्रिक याद कर लीजिए मेरी, क्या मैंने बताया? जी से ग्राउंड, तो जो ग्राउंड से ऊपर जाए पिलर हो गया स्टेलेगमाइट हो गया, और सी से क्या पकड़ोगे? सीलिंग। सीलिंग मैंने बताया कि जो केव के ऊंचाई से, सीलिंग से, सीलिंग ऊपर को कहते हैं, मालूम है ना, छत को सीलिंग कहते हैं, वहां से नीचे आए तो उसे कहते हैं स्टेलेक। देखो सी से पहचान जाओगे, स्टेलेक्टाइट, अब नहीं भूलोगे, ठीक है ना, इस दो वर्ड्स के नहीं भूलोगे। आइए हार्डनेस के बारे में थोड़ा सा और जान करके वाइंड अप करेंगे। तो हार्डनेस दो टाइप की होती है, टेम्पररी हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है। नाम से पता चल रहा है टेम्पररी है तो इसका हार्डनेस जल्दी रिमूव हो जाएगा। तो अगर पानी में सिर्फ हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर क्या हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, कैल्शियम का
या मैग्नीशियम का, तो उसको टेम्पररी हार्ड माना गया है। टेम्पररी हार्ड इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी हार्डनेस को रिमूव करना बहुत आसान है, बस बॉइल कर दो, पानी की हार्डनेस चली जाएगी। टेम्पररी है ना, ये देखिए ये है टेम्पररी हार्डनेस, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट या कैल्शियम का हाइड्रोजन का, बस क्या करो बॉइल कर दो, बॉइल करते ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, हो गया, सॉफ्ट वाटर बन जाएगा, ठीक है। बट अगर पानी में सल्फेट या क्लोराइड्स होगा मैग्नीशियम और क्लोरीन का, तब ये पानी जल्दी से हीट होने से भी क्या होगा, आप हीट भी कर लो, ये सॉफ्ट वाटर नहीं बनेगा, ये परमानेंट हार्ड वाटर हो गया। परमानेंट नाम से पता चल रहा है, पक्का हार्ड वाटर, समझ गया ना, इसकी हार्डनेस बॉइलिंग से नहीं जाएगी। आइए, तो क्या फायदे हैं कुछ हार्ड वाटर के? नहीं, हाँ बहुत फायदे हैं। तो मैंने कहा हार्डनेस का मतलब है कि पानी में डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, ये तो पक्का हो गया। तो मैंने कहा जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें सॉल्ट्स तो नहीं होते हैं, तो मैंने कहा सॉफ्ट वाटर क्या होता है, टेस्ट भी फ्लैट करता है, और हार्ड वाटर टेस्टी भी होता है, बता दिया भाई। जितने भी आप बेवरेजेस पी रहे हैं, जितने भी वाइन्स लोग पी रहे हैं, हाँ बेवरेज मतलब ड्रिंक्स, समझ गए ना, टी और कॉफ़ी को बेवरेज कहा गया, उन सब में हार्ड वाटर यूज़ होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आपके लिए भी ज़रूरी है, मैंने बताया, आपकी बोन्स आपकी टीथ के लिए ज़रूरी है। तो पानी में हार्डनेस यहाँ पे फायदेमंद है तुम्हारे लिए, हाँ तुम्हारा दांत और तुम्हारी हड्डियाँ कैल्शियम मैग्नीशियम की बनी है। और लास्ट, हार्ड वाटर क्या करता है, पॉइजनिंग ऑफ वाटर को रोकता है। जो पानी के जो पाइप्स होते हैं, जिसको हम लेड का पाइप बोलते हैं ना, पानी का लोहे का पाइप देखा होगा, लेड पाइप्स उसको बोलते हैं, उसकी पॉइजनिंग को रोकता है। तो कितने फायदेमंद है, कुछ बुराई भी है क्या हार्डनेस की? हाँ बुराई भी जान लेते हैं। हार्डनेस से पानी में स्टीम कम प्रोड्यूस हो जाती है। हार्ड वाटर क्या करता है ना, स्टीम कम पैदा करता है। और अक्सर क्या होता है, जो बॉयलर्स होते हैं जिसमें से स्टीम निकाली जा रही है ना, तो वहाँ पर स्टीम का जो ट्यूब होता है ना वो नैरो हो जाता है, अक्सर उसमें आग लगने का फिर खतरा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हार्डनेस इज़ नॉट सुटेबल उन जगह पे जहाँ पे बिजली घर है, जहाँ पर, या जहाँ पर क्या हो रहा है, बॉयलर्स यूज़ रहे हैं बड़े बड़े, बॉयलर्स बड़े से एक जार होते हैं जिसमें पानी को बॉयल किया जाता है, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम आती है, द फरिंग ऑफ द की कैटल, जो सॉरी की टी बोल दिया, चाय के कैटल में भी क्या होता है, वाइट वाइट सा दाग लग जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें सेडिमेंट्स ऑफ द वाटर मिल जाते हैं। जो पानी की हार्डनेस है, पानी के बॉईल करते करते क्या होता है, वो उसमें हार्डनेस लग जाती है। जो ये फर वाला पार्टिकल दिखाई देता है, जो वाइटनेस दिखाई देती है, इज नथिंग बट द कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मैंने बताया आपके पानी की बॉटल का मैंने एग्जांपल दिया, आपके जो फ्रिज में पानी की बॉटल रखी है वो हल्की सी वाइटिश हो जाती है कॉर्नर्स में, कैप्स की साइड्स में, जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ये डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, और वही वो फरिंग बन जाती है, क्या बन जाती है, फर बन जाता है, वाइट वाइट सा मार्क बन जाता है। चेक करके जरूर मेरे कहने पे एक बार चेक करिएगा अपने बॉटल्स को। हार्ड वाटर क्या है, मैंने कहा वॉशिंग में काम नहीं आएगा, आपका डिटर्जेंट वेस्ट हो जाएगा, और पानी हार्ड होने से मैंने कहा ना, आप उसमें सोप डालेंगे तो काम नहीं करेगा। क्या नहीं काम करेगा, सोप काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा काम, आइए रीज़न बताएं क्यों। हार्ड वाटर को यस में यूज़ सोप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हैं उसके जो आयंस होते हैं वो नेगेटिव आयंस ऑफ दी सोप के साथ कंबाइन कर जाते हैं, और एक 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 स्टिकी सा, एक चिपचिपा सा पदार्थ पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सॉल्युबल नहीं हो पाता है, वो घुल ही नहीं पाता है, जब ये घुलता ही नहीं है, तो ये रहा सोप, सोडियम स्टेराइट, ये रहा हार्ड वाटर, इसके साथ कंबाइन कर रहा है और दिखा रहा है, बन जा रहा है कैल्शियम स्टेराइट, यही एक स्लाइमी सब्सटेंस, देखिए नीचे एरो है, यही एक स्लाइमी सब्सटेंस है, हाँ चिपचिपा सब्सटेंस है, जो बन जा रहा है, जो पानी में क्या कर जा रहा है, सोप कर्ड की तरह बन जा रहा है। नतीजा क्या हो रहा है, आपके कपड़े धुलेंगे ही नहीं, इसका मतलब है हार्ड वाटर में कपड़े धोना अच्छा, यस अच्छा नहीं रहेगा, धुलेगा ही नहीं। तो हार्ड वाटर में यस सिंथेटिक डिटर्जेंट यूज़ कर लेते हैं लोग, जैसे सर्फ, नाम सुना होगा ना, हाँ ये, और डिटर्जेंट्स ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं सोप के मुकाबले, ऐसा क्यों, जो डिटर्जेंट्स होते हैं, जो पाउडरी होता है, एक एक साबुन होता है, साबुन की टिकिया होती है, है ना, और एक होता है डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स जो पाउडरी होता है, डिटर्जेंट्स ज़्यादा कैपेबल होते हैं हार्ड वाटर में डिजॉल्व होने के, क्या चीज़, डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स को कई बार बोला गया है सोपलेस सोप, समझ गए क्या, सोपलेस सोप क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा सॉल्युबल हैं, सोप से ज़्यादा सॉल्युबल हैं, पानी में जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं, इन पर हार्डनेस का इफेक्ट
नहीं पड़ता है, समझ गए? ये क्या करते हैं, स्लाइमी सब्सटेंस या स्कम फॉर्म नहीं करते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में, हाँ सोल्यूशन बता दे रहा हूं, आपके घर में अगर हार्ड वाटर है और कपड़े अच्छे से नहीं धुल रहे हैं तो साबुन से मत धोइएगा, रिन डिटर्जेंट से मत धोइएगा, बल्कि क्या लगाइएगा, आपको साबुन नहीं लगाना है तब, घड़ी डिटर्जेंट, है ना? घड़ी का ऐड देखा है तुमने, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी डिटर्जेंट। तो घड़ी का क्या यूज़ करना है, डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करना है, घड़ी साबुन नहीं इस्तेमाल करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लिंजिंग एक्शन। तो मैंने बताया सोप और डिटर्जेंट्स दोनों ही क्या करते हैं, डर्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या सही सुना, सोप या डिटर्जेंट्स जब पानी में डिजॉल्व होते हैं तो उनमें जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके मॉलिक्यूल्स का एक नाम है माइसेल्स। क्या नाम है, माइसेल, कुछ इस तरीके से होते हैं मॉलिक्यूल्स ऐसे, ठीक है, ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं माइसेल्स। इस माइसेल में टेल होती है, आपको दिखेगा टेल, ठीक है, एंड हेड होता है, हेड दिख रहा है, टेल दिख रहा है आपको, हेड और ये टेल, ये जो नीचे एरो बनाया ये टेल है। जो क्लीनिंग जब हम करते हैं, जब इसको मिलाते हैं पानी में, तो जो इसका हाइड्रोकार्बन टेल होता है वो अपने आप को डर्ट से अटैच कर लेता है। मतलब सारी गंदगी कहाँ जाके चिपक जाती है, सारी गंदगी इस टेल में जाके चिपक जाती है। यहाँ पर आपके कपड़े की गंदगी, डर्ट को चिपकाने वाला एंड कौन सा है, ये टेल पोर्शन, ठीक है। ये एक सिंगल माइसेल है, मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे लाखों माइसेल्स होते हैं। तो डर्ट क्या करती है, गंदगी क्या करती है, इसके टेल में जाके चिपक जाती है। जबकि जो ऊपर वाला पोर्शन है, वाटर इज स्टर्ड, जैसे ही क्या करते हैं, पानी को हिलाते हैं, झाग बनाते हैं कपड़े में, उसमें क्रश करते हैं, तो उस समय डर्ट क्या हो जाती है, डर्ट इसमें चिपक करके माइसेल में चली जाती है। नतीजा जब आप पानी धोते हैं तो उसमें गंदा पानी निकलता है, वो गंदा पानी क्या है, यही डिटर्जेंट के माइसेल्स के टेल पोर्शन पे, माइसेल के टेल, ये टेल है याद रखिएगा, टेल पोर्शन में डर्ट चिपक गई है, और जो हेड पोर्शन है वो पानी के साथ अटैक हो जाता है। हेड पोर्शन पानी को अटैक कर लेता है, अटैच हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, और टेल पोर्शन डर्ट को अटैच करके क्या होता है, डर्ट को बाहर ले जाता है, तो इससे आपका कपड़ा धुल जाता है। तो समझ में आ गया होगा, हाँ समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ क्या करिए, इसको अपने पास मत रखिए, सारे क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।